अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें जी, हमारी मॉर्निंग हो गई है स्टार्ट। अब हम बना रहे हैं चाय और अब करेंगे नाश्ता। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह, उरहा ने भी अपना एग बिल्कुल फिनिश कर लिया है, भी कर लिया है नाश्ता। और आज बना रही है शाइना भिंडी। तो जी अब हम सब्ज़ी बनाने लगे हैं और आज ये बनाएगी भिंडी। बहुत मज़े की बनाती है शाइना। और ये देखें जी, साथ ही ये फर्नीचर वाले आ गए हैं। मेरी जेठानी का ये न्यू फर्नीचर आया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आज बादल और धूप है, बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो जी ये इन्होंने न्यू फर्नीचर अपना पहले वाला सेल करके न्यू फर्नीचर बनवाया है। तो चलें जी, मैं अब आपको दिखाती हूँ। और अभी ये फर्नीचर उतर रहा है, तो अभी बस ये लोग रख रहे हैं। ये देखें जी, तो ये ड्रेसिंग आ गया है। और जी आज बना रही है शाइना, ये देखें जी, भिंडी और प्याज वगैरह उसने कर लिया है। और अब इसमें फ्राई हुई भी भिंडी वो ऐड करेगी, और इसमें उसने लीमू भी ऐड किए हैं। ये देखें जी, बेड भी रख दिया है। और जी ये अलमारी भी आ गई है, और कब ड्रेसिंग भी आ गया है। ड्रेसिंग इसका मुझे बहुत नाइस लगा है, साइड टेबल्स भी बहुत अच्छी लग गई हैं। और ये देखें जी, ये न्यू मल्टी फोम का फोम भी आ गया है, मैट्रेस ये देखें जी, माशाल्लाह से रूम हो गया है, फिट फाट सेट हो गया है। तो ये है इसकी लुक, बेडशीट भी बिछ गई है और फुल रूम हो गया है डन। ये देखें जी, और आज यहाँ सुबह की लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर जल गया है। तो जी सुबह की लाइट नहीं है, इस टाइम मेरे ख्याल से 2:30 बज रहे हैं। और जी बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप भी निकली हुई है, बच्चे हाल बेहाल हुए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और रान को भी, रान सोया भी नहीं है, नींद भी उसको आ रही है लेकिन सो नहीं पा रहा। अब हम लोग जाने लगे हैं बच्ची की तरफ। रान के कपड़े निकालने लगी हूँ, उसको वहाँ पे जाके नहलाती हूँ, फ्रेश करती हूँ, क्योंकि वो नहाया नहीं, इसलिए भी उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और हमारा UPS भी बंद हो गया है। तो जी ये देखें, गर्मी बहुत है, बुरा हाल हुआ वह है, लाइट हमारे है नहीं, धूप भी निकली हुई है। मम्मा तंग आ गई है इससे, गर्मी इतनी है। देखो जी, मां भी रो रहा है और यहाँ उरहान भी रो रहा है। ये मुसलमान अपना ले लिया। ये देखें, ये ट्रांसफार्मर पर बंदे चढ़े हुए हैं। और ये देखें जी, काम चल रहा है, कह रहे हैं घंटे एक तक लाइट आएगी। और अब हम पहुंच गए हैं इरम बाजी की तरफ, इनका पॉलर भी है। तो ये देखें जी, हम इन्होंने हमारे लिए बनाया पॉपकॉर्न, मैंने रान को भी फ्रेश कर दिए, नहला दिया, अब हम चाय पीने लगे हैं। लाइट आ गई और अब हम वापस जाने लगे हैं। शाम की कहीं 6:30 तक का टाइम है, तो लाइट अब आई है बहुत ज़्यादा लेट। ये देखें जी, हम घर आ गए हैं। अब मेरा कुर्ता भी लबना, यहाँ शाइना किसका इंतजाम कर रही है, चूहे का कर रहे हैं हम, उससे मेरा हाथ ही नहीं जाना उठे। और ये आयत के लिए बन रहा है सूजी, और मुझे भूख लगी हुई है, और मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए कबाब फ्राई करने लगी हूँ। तो ये जी मैं खाना खाने लगी। अब हम गए उमर की फूफो की तरफ, तो वहाँ है जी हाशिर की बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे हाशिर।
और ये जी अब ये पिज़्ज़ा है और साथ कोल्ड ड्रिंक केक। और हम लोग यहाँ आए हैं अचानक क्योंकि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हम आए थे इनकी दूसरी पप्पो की तरफ, तो वहाँ पे लाइक हमें आके पता चला कि इधर बर्थडे है तो इधर जाना है, तो ये अचानक से सीन था। तो बस अच्छा, और रहान घर पे भी सो गया था, यहाँ पे भी सोता रहा, पूरे रास्ते सोता रहा, और दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोया था तो उसकी नींद और सो ही जा रहा है, तंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। अब पानी शानी इसका फेस वॉश करवाया तो अभी थोड़ा बहुत जा गया। अब हम खाने लगे हैं केक, कैफे डिबोनो का है ये केक। शुक्र है रहान उठ के उसका थोड़ा मूड फ्रेश हुआ है, तो वरना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ था। और आप लोग सुनाएं सब कैसे हैं। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दिएगा, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन को भी दबा दिएगा। मेरा मिशन है कि मैंने अपना वेट गेन करना है, तो अब इंशाल्लाह मैंने रोज़ ये बनाना शेक पिया करना है। तो बस दुआ करिएगा कि मेरा वेट थोड़ा सा गेन हो जाए। तो जी अब बस अपने लिए बनाना शेक बनाने लगी हूँ। रात का टाइम है 11:30, बल्कि नहीं 12 बज रहे हैं। इंशाल्लाह जी फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। बस अब रहान कलर्स वगैरह लेके बैठा हुआ है थोड़ा सा, मतलब तो बस अब इसके बाद ये मैं रख दूँगी और फिर मैं इसको सुनाऊँगी क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी। मुझे फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।